नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं आज इंदौर के माता गुजरी के सेंटर है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ है। यहाँ पर अभ्यर्थी लोग निकल रहे हैं। हम लोग आज पेपर थ्री के बारे में थोड़ा सा रिव्यू लेंगे जो आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे मैं रिव्यू लेना चाहूंगा। तो आ जाइए थोड़ा पास। सर रिव्यू देना चाहूंगा सर। जब कोई ना, ये हमारे भैया है, अभी पेपर थ्री का पेपर दे के आ गए हैं मुख्य परीक्षा का। तो मैं पूछना चाहूंगा, आज का पेपर कैसा था आपका? पेपर अच्छा था, पहले पेपर से बाद के दोनों पेपर काफी ठीक है। जैसे दूसरा पेपर काफी ठीक था, मतलब क्वेश्चन जो अपन एक तय कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से। बाकी जो पहला पेपर था उसमें जो थ्री मार्कर थे वो थोड़ा आउट थे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पढ़ेगी। तो आज का पेपर थ्री जैसे हर्डल रहता है बच्चों के मन में कि आज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तो ऐसा कुछ लग रहा है? मतलब पासिंग मार्क सबको हो जाएगा या फिर कुछ ज्यादा चलेगा? इसने पढ़ा है अच्छे से, उसके लिए काफी बढ़िया। कौन से पोर्शन से ज्यादा आया था? सभी पोर्शन बराबर आते हैं अब तो, मतलब कि जैसे कोई विज्ञान ले लो, जैसे मान लो कि जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान से 30 नंबर का आएगा और मैथ से 30 नंबर का आएगा, सभी पोर्शन बराबर आते हैं। 11 मार्कर और 5 मार्कर में कोई क्वेश्चन अगर आपको अभी याद आ रहा हो तो? 11 मार्कर में जैसे मैं देखते बताऊं तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूछा है क्योंकि सरल है सभी के लिए, और ग्रेनाइट पर टिप्पणी लिखी है ये 5 मार्कर में, सावनीकरण है मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया विधि, सारे क्वेश्चन जो अपन एक तय कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना एवरेज स्कोरिंग आज हो सकता है? एवरेज स्कोरिंग ये मान लो कि 300 नंबर का है तो समथिंग 150 प्लस हो जाएगा लगभग, अगर हर बच्चा ने बच्चे ने पढ़ा है हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे बीच में आई है, अभी पेपर दे के आई है। तो मैं अगर आप नाम बताना चाहे नाम बता दीजिए, और जिले कौन से जिले के हैं आप? संध्या मिश्रा, सिंगरौली से। अच्छा, तो आज का पेपर कैसा रहा और क्या क्या पैटर्न? जैसे कि इसमें मतलब 10 यूनिट होती है, तो जो पहले के 5 यूनिट था, मतलब ये 7 में होती है, तो पहले के 5 यूनिट में काफी हार्ड पेपर बनाया था, और जो सेकंड पार्ट है मतलब दोनों मिक्स रहता है वैसे तो, सेकंड पार्ट थोड़ा ठीक था, और पहला पार्ट में जैसे कि मैथ के क्वेश्चन वगैरह हो गए तो मतलब ऐसा था, थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। कहा जाता है ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा जरूर होता है, क्योंकि जो साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं वो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन वो बहुत ही इजीली से सॉल्व कर लेते हैं और उनको जल्दी याद हो जाता है, और जो उसका सेकंड पार्ट होता है उनके लिए तो सबके लिए ही ठीक है। इस आज के पेपर में कोई करंट अफेयर्स को रिलेट करके क्वेश्चन क्या आया था कि वही ट्रेडिशनल जो आता है साइंस का? साइंस में तो जैसे कि एनवायरमेंट का होता है वो आप ट्रेडिशनल मतलब आज के करंट के अकॉर्डिंग उसको जोड़ सकते हैं, बाकी तो वही जैसे योजनाएं हो गई मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसको भी अपन जोड़ के बना सकते हैं, मतलब अभी करंट में जो चल रहा है उसको लिख सकते, नहीं तो बाकी पहले ही जैसे आते थे वैसे ही। एक सवाल आ रहा है, 2024 का जैसे सिलेबस बदल गया है और पेपर थ्री वहाँ जैसे साइंस का पोर्शन ज्यादा रहता था वो बदल गया, लोगों ने बहुत सारा तैयार किया है, स्टडी मटेरियल भी तैयार कर लिया है, तो अब क्या चैलेंज रहेगा, क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा? अब ये है कि जैसे पहला तीसरा पेपर में साइंस आता था, अब क्या है इकोनॉमिक्स में उसका ज्यादा वेटेज है, तो अपने को मतलब तीसरे पेपर में अब इतना लोड नहीं लेना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिक्स आप जैसे ने बोला कि जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए काफी प्रॉफिट होता है, तो अब क्या जब तीसरा पेपर होगा वो सबके लिए सही रहेगा। फाइनल सवाल ये है कि आज का पेपर इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था? बोल सकते हैं मेरे लिए तो मतलब मॉडरेट था, बाकी तो हार्ड पेपर आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, अगले पेपर के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। इंदौर के माता गुजरी में ये मैडम ने आज पेपर दिया है, पेपर थ्री का जो साइंस टेक का होता है मोस्टली, और ये बहुत चैलेंजिंग पेपर होता है, तो आज के पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पेपर थोड़ा सा देखा जाए तो मॉडरेट था, इजी नहीं था, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो इजीली बन नहीं रहते, जो 11 नंबर के क्वेश्चन था वो बड़ा लेंदी था और टाइम टेकिंग था, लास्ट तक डाउट था कि वो सही है या नहीं है, और जो क्वेश्चन थे सीधे सीधे टॉपिक से नहीं लिए थे, जो नया सिलेबस चेंज किया है तो पीएससी को सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ क्वेश्चन बनाना है और नए सिलेबस को टारगेट करके पेपर बना रहा है। अच्छा, बच्चों का आज कहना है कि जो सिलेबस है उससे पेपर नहीं है, जैसे कल के पेपर में हमने देखा कि पूरा सिलेबस में था,
फर्स्ट पेपर भी नए सिलेबस के हिसाब से उसने टारगेट करके बनाया और थर्ड वाला भी नए सिलेबस के हिसाब से टारगेट। कुछ क्वेश्चन ऐसे बता पाए कौन से टॉपिक से आज लेबर मार्कर आए थे? इलेवन क्वेश्चन जो थे कि पाचन तंत्र के लिए पूछा था, तो कुछ क्वेश्चन तो सिंपल थे जो चीजें बन रहे थे, और जैसे कि ये पूछ लिया था एक नेचुरल क्वेश्चन था प्रायिकता से लेके उसने पूछा था, और एक एनर्जी वाला था, एनर्जी का कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। अच्छा और तो मतलब मैथ का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई था, फाइव मार्क्स के थ्री मार्क्स के वो इजी थे, नंबर का थोड़ा सा घुमा दिया था, और जो फाइव मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो टाइम ले रहे थे। आप गेस कर सकते हैं क्या कि आपको कितना मार्क्स आएगा आज के? अभी नहीं गेस कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कॉपी नहीं दिखा रहेगा 2019 से, तो समझ में नहीं आ रहा ना, तो कैसे क्या रहेगा। आपने पेपर थ्री का नोट्स खुद से बना लिया है पूरा कम्प्लीट? पुराने सिलेबस के हिसाब से तो मैंने खुद से टारगेट किया है। अब नए सिलेबस में चैलेंज आने वाला है, पूरा चेंज हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो फिर से बनाना पड़ेगा सिलेबस, तो पूरे लेके आने पड़ेंगे, फिर से बनाना पड़ेगा सिलेबस तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने रिव्यू दिया और ठीक है, अगले एग्जाम के लिए आपको बधाई। कुछ लोगों के रिव्यू हमारे जो माता गुजरी सेंटर में इंदौर में है, और हम लोगों ने देखा आज पेपर का लेवल कहा जाता है कि मॉडरेट लेवल था, और मैथ्स के क्वेश्चन जो लेबर मार्कर थोड़ा इधर उधर दिए थे, सिलेबस से नहीं था ऐसा कहा गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस एनालिसिस को देखिए और अगले पेपर की आप लोग तैयारी करें और अपने नोट्स खुद बनाएं, ये सबका कहना है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले एग्जाम के लिए लोगों को, और जो स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं और जो नई तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एनालिसिस देख के समझ सकते हैं कि पेपर का क्या ट्रेंड रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।